न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, जाता है कोई बहुत देर की मेहरबान। अरे बाबा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिनिमम 50 इनिंग्स, 3000 प्लस रन, अबव 90 का स्ट्राइक रेट, 45 एवरेज, ओनली वन प्लेयर इन पाकिस्तानी टीम, यू गॉट इट, यू आर जीनियस, लुक एट हिज स्टैट्स, फखर जमान, 3000 प्लस रन, 45 एवरेज, 90 प्लस स्ट्राइक रेट, यू डिजर्व इट, यू कैन गेट मोर, दिस साइन इज बेटर फॉर आवर कंट्री टू ब्रिंग मॉडर्न डे क्रिकेट। व्हाई आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम लास्ट 8 ईयर, बिकॉज ऑफ लाहौर कलंदर टीम, माई फेवरेट टीम इज लाहौर कलंदर फ्रॉम स्टार्टिंग, रांची किंग एंड मुल्तान सुल्तान इज ऑल्सो लाइक। मैंने अब्दुल्ला शफीक को कहा था, इस कंडीशन पर मैं सिर्फ 4 ओवर देखूंगा, 4 ओवर के बाद मैं हिट लगाऊंगा, सिक्सेस लगाऊंगा। ये बयान थे फखर जमान के, ये अप्रोच थी आज फखर जमान की। क्या कमाल की इनिंग खेली है, दिल खुश कर दिया फखर जमान ने। इंजरी मेरी ऐसी थी कि उसमें भी मैं किसी भी टाइम खेल सकता था, अगर टीम को जरूरत पड़ती तो ऐसी सेवेर कोई बहुत ज्यादा खतरनाक इंजरी नहीं हुई थी। पाकिस्तानी पेसर ने इस वर्ल्ड कप में 36 विकेट ली है, और जबकि हमारे स्पिनर ने सिर्फ 8। इकोनॉमी हमारे पेसर का बेहतर है, इकोनॉमी आप स्पिनर का भी आप देख सकते हैं। इमामुल हक और फखर जमान, सबको पता है ये दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, इन दोनों में से आप किसको खिलाना चाहोगे इनकी परफॉर्मेंस को देखकर? आप सब 90% लोग कहोगे कि फखर जमान, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस तो है नहीं, मगर चांस लेना ही तो ऐसे बल्लेबाज से लिया जाए जो पाकिस्तानी टीम के लिए खेलता हो, पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता हो, ना कि सिर्फ अपनी 50 के लिए, अपनी रैंकिंग के लिए। आज की कंडीशन देखते हुए जैसे फखर जमान खेला है, अगर यहाँ पर इमामुल हक गलती से पहुंच भी जाता ना, तो उसकी 50 ही अड़ जानी थी, यहाँ पर 50 ही इधर फंस जानी थी उसकी, 50 से वो बाहर ही निकलना था। मगर क्या कमाल की अप्रोच दिखाई फखर जमान ने, उसने टुक टुक की जान नहीं छोड़नी थी, टुक टुक ही लगा देनी थी यहाँ पर। एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि जब दोनों प्लेयर्स की फॉर्म नहीं थी तो इमामुल हक को इतने चांस क्यों दिए जा रहे थे? चाचा गया तो भतीजा भी गया। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो बाबर आजम फैसला क्यों नहीं कर पा रहे थे, या बाबर आजम को फैसला करने ही नहीं दिया जा रहा था कि फखर जमान को भी खिलाया जाए? फखर जमान का बयान तो आपने सुन लिया कि फखर जमान कह रहे थे मेरी इतनी बड़ी इंजरी नहीं थी, अगर टीम को जरूरत होती तो मैं खेल सकता था। इमामुल हक के पिछले 5 मैचों में 164 रन, और फखर जमान की आज की इनिंग 80 रन की, कमाल की, ये एक साइड पे कर देती है इमामुल हक को। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और हमेशा इंशाल्लाह रहेगा, क्योंकि जहां पर बुराई होती है वहां पर अच्छाई भी होती है, लेकिन अच्छाई की जीत होती है जो आज हमको देखने को मिली इस मैच में, फील्ड पर भी और ऑन द बोर्ड भी। बोर्ड्स की नाकारकर्दगी और प्लेयर की नाकारकर्दगी, ये दोनों आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं। शदाब खान स्पिन बॉलर के तौर पर गए, नवाज खान स्पिन बॉलर के तौर पर गए, लेकिन जो हमारा पार्ट टाइम बॉलर है चाचा, इन दोनों से अच्छी बॉलिंग करा रहा है, इन दोनों से इकोनॉमी चाचा की बेहतर है। जब पार्ट टाइम बॉलर की ऐसी बॉलिंग कर रहा है तो फिर इन दोनों को क्यों लेकर गए हम स्क्वाड में? मसले जितने बड़े थे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में और टीम में, फखर जमान पिच पर उससे भी बढ़कर दम से खड़े थे, क्या खूब खड़े थे, पाकिस्तानी होप को भी एक नया रुख दिया और अपने साथ खड़ा किया। बाबर आजम का स्पिन के सामने स्ट्राइक रेट 60 का हो जाता है, जो कि हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बाबर आजम को इस पे वर्क करना चाहिए था। आज भी बाबर आजम की विकेट जो गई है ना, वो स्पिन बॉलिंग के हाथों गई है, जो हमारे लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि दूसरी टीम को कमजोरी का उसी टाइम पता चल जाता है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को मे भी ना पता चल रहा हो, अगर पता चल भी रहा है तो उस पर काम नहीं किया जा रहा, अगर काम किया जा रहा है उतनी दिल से नहीं किया जा रहा, उतनी मेहनत से और लगन से मे भी नहीं किया जा रहा। बांग्लादेश टीम की बात करूं तो बांग्लादेश टीम की अगेन पुअर परफॉर्मेंस, जो कि पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। ये नहीं है कि इन टीम में दम नहीं है, टीम में प्लेयर बहुत अच्छे हैं, दूसरी लीग भी खेलने जाते हैं, साकिब उल हसन लीग खेलने जाते हैं, महमूदुल्ला भी लीग खेलने जाते हैं, इसमें से कई प्लेयर है जो लीग खेलते हैं, लेकिन एकजुट होकर एक टीम बनकर अपनी टीम के लिए, अपने वतन के लिए कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, जो कि नतीजा आप लोगों के सामने है। लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन है इस बोर्ड में, जिस वजह से ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, मगर पाकिस्तान का भी हाल ऐसे ही मुझे होते हुए नजर आ रहा है। दुआ करूंगा
ऐसे लोगों से पाकिस्तानी टीम को दूर कर दिया जाए। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है पाकिस्तान की इस टीम परफॉर्मेंस पर और स्पेशली फखर जमान की बैटिंग पर, मैं जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज जरूर बताइएगा।